सिखिज्म के अंदर मिलिट्री कब आया, मतलब ये पॉलिटी में कब इंडल्ज हुए? किन्होंने करा? गुरु हर गोबिंद, इन्होंने ही करा। आपका ये कहना है कि खालसा पंथ ये गुरु गोविंद सिंह जी ने करा? यही बोल रहा हूं, यही बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। बट खालसा यहां पे एक सेक्ट है, पंथ, सेक्ट, कम्युनिटी। खालसा एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिशिया, ये किन्होंने करा? ये बंदा बहादुर ने करा। बेसिकली चीज जो यहां शुरू हुआ है फाइनली बंदा बहादुर से एंड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाले बंदा बहादुर है, यहां तक वो एक पंथ है, सेक्ट है। आप जो बात बोल रहे हो ना कि गुरु कौन से क्या क्या एक, आपने कुछ रिचुअल बताया अभी। हाँ। जैसे गुरु शिष्य परंपरा वाला पावन वही, उसके बाद सर वो हम मिलिट्री वाला अटायर रख लेते हैं और पाठ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह स्टार्ट किया, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, मतलब उसे कंपलसरी कर दिया किसने? वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद हो रहा है। कंपलसरी इन द सेंस इंस्टीट्यूशनलाइज करना। अब बेसिकली इंस्टीट्यूशन किसे बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनलाइज करना मतलब देखिए उस टाइम पे हुआ क्या, उस टाइम औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, ठीक। औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह आए। बहादुर शाह के टाइम पे आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी, बहादुर शाह एंड बंदा बहादुर वर इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, और उस टाइम पे उनको इसे स्ट्रांग करना था, मतलब अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना था इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट बहादुर शाह मुगल्स। तो उन्होंने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करा ताकि अपनी मिलिट्री को और भी पावरफुल बनाए, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया। ऐसा नहीं है कि इस खालसा में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला सिर्फ वही है, इन्होंने भी जो बोला है वो भी है, और बाद में इन्होंने उसे इंस्टीट्यूशन बना दिया और कुछ नई चीजें ऐड कर दी ताकि अब लोग ज्यादा मिलिट्री में जाएंगे, और उसमें कुछ सोफिस्टिकेशन नियम कानून वगैरह लगा दिया। क्लियर है? बंदा बहादुर ने जो खालसा के बारे में बात की दैट इज कंप्लीटली मिलिट्री, उसमें सेक्ट नहीं है, उसमें फिलॉसफी नहीं है। उनको अपने मिलिट्री को स्ट्रांग करना था।